सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10वीं के स्पर्श भाग 2 का तीसरा काव्य करने जा रहे हैं, जो है बिहारी के दोहे। तो बच्चे, नाम से ही पता चलता है कि इन दोहों के कवि हैं बिहारी जी। तो सबसे पहले हम लोग बिहारी जी के जीवन परिचय एवं उनकी कुछ मुख्य रचनाओं की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जीवन परिचय सबसे पहले हम लोग देखते हैं। हिंदी के सुप्रसिद्ध श्रृंगारिक कवि बिहारी जी का जन्म सन 1595 में ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर नामक गांव में हुआ। इनके पिता केशवराम जब ग्वालियर से ओरछा आ गए तब उनकी आयु केवल 8 वर्ष की थी। बिहारी ने वहां संस्कृत काव्य का अध्ययन किया। वहीं उन्होंने प्रसिद्ध कवि केशवदास से काव्य शास्त्र की दीक्षा भी ली। कुछ समय बाद वे आगरा आ गए। यहीं उन्होंने फारसी का अध्ययन किया तथा रहीम से भी भेंट की। रहीम ने उनकी रचनाओं को सुनकर उन्हें पुरस्कृत किया। भारी की काव्य प्रतिभा पर अनेक राजा मुग्ध थे। उन्होंने शाहजहां के अतिरिक्त राजस्थान, जोधपुर, बूंदी जैसी रियासतों ने भी शासकीय वृत्ति प्रदान की। अंत में वे जयपुर के महाराज जय सिंह के दरबारी कवि बन गए। कहते हैं कि राजा जय सिंह उन्हें रोज एक असरफी प्रदान करते थे। सन 1663 में उनका देहांत हो गया। तो बच्चों, ये थी उनकी जीवन परिचय। अब उनकी रचनाओं को देखेंगे। बिहारी जी की एक ही रचना है, बिहारी सतसई। यही उनकी अक्षय कीर्ति का आधार है। इसमें लगभग 700 से 713 दोहे हैं। अब उनकी काव्यगत विशेषताएं देखें। बिहारी की ख्याति श्रृंगारिक दोहे के कारण है। वे अपने आश्रयदाता को प्रसन्न करने के लिए नायक नायिका की प्रेम क्रीड़ाओं और सुंदरता का चमत्कार पूर्ण वर्णन करते थे। उन्होंने भक्ति तथा नीति संबंधी दोहे भी लिखे। तो ये हो गए बच्चे कवि परिचय, जीवन परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में। तो हम लोग अगले वीडियो में काव्य के भावार्थ को स्पष्ट करेंगे। धन्यवाद।